अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने एक्ने और पिंपल्स के प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म का एक्ने का प्रॉब्लम है, पिम्पल्स का प्रॉब्लम है, तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि हम लोग घर में ही टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते रहते हैं जबकि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी स्किन को असल में मसला क्या है। और एज अ रिज़ल्ट कुछ लोगों की स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि बाद में एक्ने स्कार्स पड़ जाते हैं, गढ़े पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है वगैरह वगैरह। तो आपने सबसे पहला काम करना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर 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 विज़िट करना है। सबसे पहला टिप ये है कि आपने दिन में दो दफ़ा यानि सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अपने मुंह को ज़रूर धोना है किसी भी एक्ने कंट्रोल फेस वॉश के साथ। सेटाफिल इसके लिए बहुत बेस्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो और ब्रांड्स आप यूज़ कर सकते हैं उसमें आ जाता है गार्नियर आ जाते हैं, न्यूट्रोजेना आ जाता है, हिमालय आ जाता है। तो जो भी आपको आसानी से मिलता है आप ख़रीद सकते हैं। नंबर टू है कि जब भी आप मुंह धोएं उसके बाद कभी भी टॉवल या टिश्यू पेपर से अपने मुंह को साफ ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पर क्या जर्म्स हैं और वो जर्म्स जब आपकी स्किन पर लगते हैं तो आपकी एक्ने और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप मुंह धोएं उसको नेचुरली ड्राई होने दें। नेक्स्ट टिप है कि कुछ लोगों को एक्ने होती है हॉर्मोन्स की वजह से, जिसको कहते हैं एडल्ट एक्ने या सिस्टिक एक्ने। तो उसके लिए आप दिन में दो दफ़ा स्पीयरमिंट टी ज़रूर पिए। स्पीयरमिंट टी के टी बैग्स आसानी से लिप्टन वालों के पास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और अगर आप चाहें तो आप खुली स्पीयरमिंट टी भी ला सकते हैं, आई थिंक हर जगह से आसानी से मिल जाती है। तो आप दिन में दो दफ़ा स्पीयरमिंट टी ज़रूर पियेंगे। टिप नंबर फोर ये है कि आप जिंक सप्लीमेंट ज़रूर लें। कहते हैं कि जिनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनमें जिंक की कमी होती है, तो इसलिए आप जिंक सप्लीमेंट ज़रूर लें। इसके साथ ही आपने अपनी बॉडी को फुली हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने पाए। जैसे जैसे आप नोट करेंगे कि आप पानी पीते जाएंगे आपकी स्किन फ्रेश भी होती जाएगी और आपको एक्ने, ब्लेमिशेस, पिंपल्स और जो स्किन पर रेडनेस का इश्यू होता है वो भी ख़त्म होने लगेगा। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर ज़रूर पिएं। डिटॉक्स वाटर की ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। डिटॉक्स वाटर ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन को क्लियर करता है बल्कि आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है, और अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करता है। नेक्स्ट टिप है कि आपका सोते हुए तकिया हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, सिल्क का हो बहुत अच्छा है, और अगर आप कॉटन भी लेते हैं, कोई भी कपड़ा लेते हैं, तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग कढ़ाइयाँ वगैरह किए हुए तकिए यूज़ करते हैं या फिर लेस लगी होती है वो वाले तकिए यूज़ करते हैं। तो उससे ये होता है कि जब आप उधर अपना फेस रखते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपके पिंपल्स हैं, आपके ब्लेमिशेस हैं, वो उसकी हल्की सी रगड़ से भी ख़राब हो जाएं। तो इसलिए तकिया आपका हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए और 2 वीक्स के बाद एक दफ़ा आप अपने तकिए को ज़रूर चेंज करें। नेक्स्ट टिप है कि आपने अपने बालों को अपने फेस से दूर रखना है, क्योंकि बाल जब आप स्पेशली गर्मियों में आप बाहर जाते हैं, पोल्यूशन वाली जगह पर जाते हैं, तो धूल मिट्टी पसीना वगैरह की वजह से जब आपके वही बाल आपके फेस पर लगते हैं तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स, वो सारी धूल मिट्टी, वो सारा पसीना, वो सारा कचरा बैक्टीरिया आपकी स्किन पर आ जाता है, और एज अ रिज़ल्ट आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। टिप नंबर 10 है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आप ज़रूर शावर लें, और अगर आप रोज़ रोज़ शावर नहीं ले सकते तो आपने अपने मुंह को ज़रूर 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 धोना है रेगुलर टैप वाटर से। कोई भी फेस वॉश वगैरह की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर टैप वाटर से, ताकि पसीने के दौरान एक्सरसाइज करते हुए पसीने के दौरान आपके मुंह पर जो भी पसीना, धूल मिट्टी, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। एक और चीज़ जिसका हम लोग ध्यान नहीं रखते वो है कि अपने फेस पर डर्टी मेकअप ब्रशेज हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने का इशू हो जाता है। और अगर आपके फेस पर ऑलरेडी एक्ने है तो वो गंदे ब्रशेज जब आपके फेस पर लगते हैं तो आपके एक्ने ख़राब हो सकती है, ब्लेमिशेस हो सकते हैं, रेडनेस का इशू हो सकता है। तो इसलिए आपने वीक में या 2 वीक्स के बाद अपने मेकअप ब्रशेज और स्पंजेस को ज़रूर धोना है। टिप नंबर 12 है कि आपका फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर दुनिया जहान के जर्म्स होते हैं, और जब वही फ़ोन आप अपने कान से लगाते हैं और साथ में मुँह पर लगता है तो आपके चेहरे पर एक्ने का इशू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को फ़ोन सुनने के बाद ज़रूर साफ़ कर लें। टिप 13 है कि हमेशा हेल्दी फूड खाएं, जंक से अवॉइड करें, प्रोसेस चीज़ों से अवॉइड करें और ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें। टिप 14 है कि विटामिन सी सीरम किसी भी ब्रांड का मार्केट में बहुत आसानी से डिफरेंट ब्रांड्स में, डिफरेंट प्राइस रेंजेस में विटामिन सी सीरम्स मिल जाते हैं,
तो आप कोई भी अपने बजट में रहते हुए विटामिन सी का सीरम ले आएं और उसको आपने वीक में 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है। दिन में एक दफ़ा यूज़ करें, जब भी आपको टाइम मिले आप एक दफ़ा यूज़ करें, लेकिन वीक में सिर्फ 3 दफ़ा, 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं। विटामिन सी सीरम का फ़ायदा ये है कि ये एंटी एजिंग भी होते हैं, तो जिन लोगों को फाइन लाइन और रिंकल्स का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाते हैं। अगर आपको एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है और आपकी एक्ने भी कंट्रोल में रहती है। और लास्टली टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल किसी भी ब्रांड का, वैसे तो लोग बॉडी शॉप का बहुत शौक से यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें, तो टी ट्री ऑयल के कुछ कतरे आप कॉटन स्वैब पर डालें और उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको पिंपल्स या एक्नी का इशू है सिर्फ आप वहीं वहीं पर लगाएं। तो ये तो थे कुछ टिप्स जो कि आपकी एक्नी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आप इनको ट्राई करें और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्नी खुद ब खुद ही ख़त्म होने लगेगी। लेकिन अगेन लास्ट में मैं फिर से आपको कहूँगी कि आपने, अगर आपको एक्नी बहुत बुरी तरह हो रही है, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना है और प्रॉपर चेकअप करवाना है कि आपको एक्नी क्यों हो रही है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।